अब देखने जाने वाले हैं खुफिया मूर्ति, धुरंधर मूर्ति, ये वर्कशॉप की, ये एक दंत आर्ट वर्कशॉप की धुरंधर मूर्ति। तो चलो जाते हैं। वैसे इन्होंने मना ही किया है, लेकिन एक नजर, सिर्फ एक नजर, पूरे 100 बंदे हैं, 100 मंदिर के 100 सभ्य हैं, सबको इतना उत्साह है कि पूरी रात सोते नहीं होंगे। वेलकम 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 बैक, दिल से दिल की बात सुनने वाला आपके ही YouTube चैनल में राधे विश्वमय व्लॉग में आप सब लोग का स्वागत है। बहुत सारी कमेंट आ रही थी, लेकिन मैं थोड़ा 2-3 दिन के लिए घूमने के लिए गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आप भी जाना चाहो तो आप 150 रुपये में भी जा सकते हो, आप 380 में भी जा सकते हो, और आप जाना चाहो तो 1100 रुपये में भी आप जा सकते हो। तो उसका फुल मैंने सीरीज बना दी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो आप जाना चाहो तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो आज आए हैं एक दंत आर्ट निशान सर्कल पाल आरटीओ के पास। निशान सर्कल जो आया है ना, तो पाल आरटीओ अड़ाजन में आया है, तो ये पीछे है उन लोग का ये गोडाउन। और जो भी ये आदमी कॉमेंट कर रहा है, तो उसको दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये सब जगह पे तो मैं जाता ही नहीं हूँ, जो मैंने आपको आगे ही बताया कि ये सब जगह मैंने देखी ही नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे भेजते हो। आज आए कुछ नई जगह को एक्सपोज करने के लिए। कहाँ पे? निशान सर्कल पाल आरटीओ के पास, लोकेशन में रख दूंगा, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो। और एक बात कहा जाती है कि 3.5 लाख रुपए की मूर्ति गुजरात में अभी तक इतनी महंगी मूर्ति बनी नहीं है, जो 3.5 लाख रुपए की मूर्ति यहाँ पे ही बनेगी। और तीसरी बात, बेस्ट एनाटॉमी, जो बेस्ट एनाटॉमी वर्क बोलते हैं ना, जो फेस कट का, जो अपना पूरा बॉडी का जो बेस्ट कट आता है ना, एनाटॉमिक वर्क बोलते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे ही मिलेगा। बप्पा मोरिया गिने लाडू चोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, ए मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। चलो तो विजिट करते हैं एक दंत आर्ट पाल आरटीओ निशान सर्कल के पास। क्या है ब्रदर आपका नाम? मेरा नाम पिंकेश है। तो आपके ये स्टॉल की पूरी विजिट करवाओगे आप मेरे को? ठीक है, आ जाइए पूरी जोर से। हैं ओके, बढ़िया, मजा आ जाए ना, क्योंकि ये कमेंट पे मैं आया हूँ। ये है ना, मुझे पता नहीं था, लेकिन कई सारी कमेंट आ रही है, आपको सच बता रहा हूँ कि कई सारी कमेंट यहाँ की आ रही थी कि एक दंत आर्ट जो निशान सर्कल के पास आया है ना, तो उसका शूटिंग हमको दो, वो देख के मैं आया हूँ, नहीं तो ये जगह तो मुझे पता ही नहीं है। जो फिनिशिंग हो रहा है उसकी कलर का काम चालू है। हाँ, तो ये कितना प्रोसेस किया आपने और बाद में ये कलरिंग का काम स्टार्ट किया? उसमें ज्यादा प्रोसेस है कि उसमें फिटिंग करना पड़ता है, 2-3 बार पॉलिश लगेगा। हाँ, फिर कलर लगेगा। हाँ, अभी ये पहला हाथ है, उसके बाद 2 हाथ और लगेंगे कलर के उसके ऊपर। ये सब बड़ी बड़ी मूर्तियां, बराबर ना? बराबर, सब बड़ी बड़ी मूर्तियां, ये सब पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियां। कांदीवली का श्री। ये सब लोगों की अलग अलग पैटर्न रहती है और भाव भी अलग अलग रहते हैं। हाँ, मूर्ति के काम के हिसाब से भाव रहते हैं। तो आप देख सकते हो कि बाकी मूर्ति के हिसाब से यहाँ की मूर्ति की फिनिशिंग, काम की क्वालिटी, हाँ, ये सब आपको देख के पता चल जाएगा, और आपके पैसे के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से संतोषकारक काम भी मिल सकता। बराबर है, आप जो पैसा दे रहे हो ये वो हिसाब से आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ये मूर्ति में कितना कलर जाएगा? ये मूर्ति में 3-4 लीटर कलर जाएगा, 3-4 लीटर कलर चला जाएगा। और आप लोग भी ब्रदर यहाँ पे कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो? बराबर है, जब कलर का काम चालू रहता है तो वो लोग आ जाते हैं, कलर का काम स्टार्ट हो जाए तब दूसरे आदमी लोग आ जाते हैं, और मूर्ति बनाने में दूसरे लोग आ जाते हैं। क्या ब्रदर, ये मूर्ति कौन से मंडल की है? सूरत का चिंतामणि। ये भी सूरत का चिंतामणि। बहुत बड़ी मूर्ति है, देखो सबसे बड़ी विशाल मूर्ति है, सबसे बड़ी विशाल मूर्ति है। तो ये ग्रुप आपका कहाँ पे है? अड़ाजन मोनार्की, ये गौरवपथ रोड पे, गौरवपथ पर रोड पे है। नहीं, बहुत बड़ी मूर्ति है, हर साल आप ये ऐसी मूर्ति बनाते हो? हर साल ऐसी मूर्ति? और कहाँ पे ऑर्डर देते हो आप भी? यहाँ पे देते, कुणाल भाई, यस कुणाल भाई के वहाँ पे।
कुणाल भाई, जो ऑनर का जो नाम है ना उनका नाम है कुणाल भाई, एक दंत ग्रुप, एक दंत ग्रुप। और मजा आता है ये आपकी मूर्ति जो फिनिशिंग, फुल फिनिशिंग के साथ देते हैं, फुल फिनिशिंग के साथ। और ये मूर्ति आपने जो बनाने के लिए दी, हाँ। उसका एस्टिमेट क्या पैसा लगा आपको? 2.5 लाख रुपया अप्रोक्स खर्चा हो गया। 2.5 लाख रुपया। और इसमें क्या क्या ये कुणाल भाई ने आपको दिया? पूरा मूर्ति साथ में रहेगा, पूरा मूर्ति का खर्चा उसमें 2.5 लाख में सब आ गया, डेकोरेशन के साथ में सब आ गया। और 2.5 लाख में ये मूर्ति देखो, ये मूर्ति का ये कम से कम ये 22 फुट की मूर्ति है। और ये विसर्जन के लिए कहाँ पे जाएगी? हजीरा में ही जाएगी। बहुत अच्छी मूर्ति है। ये मूर्ति बनने के बाद कम से कम कितना दिन लगेंगे ये मूर्ति बनने में? और अप्रोक्स 3-1 महीना तो हो गया है बनाने के लिए, ऑर्डर के लिए दिया था, हाँ। और अभी ये 10-1 दिन में रेडी हो जाएगा। 10-1 दिन में रेडी हो गया है, रेडी हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मूर्ति आला ग्रांड बनने वाली है, एक बार 10 या 12 दिन के बाद यहाँ पे देखने के लिए आओ। चिंतामणि गौरव पथ, सूरत का चिंतामणि गौरव पथ, मोनार्क के सामने ही है। और इसका आगमन कब है? 16 सितंबर। ये बराबर, ये 16 सितंबर को इनका आगमन है। रात को कितने बजे निकालने वाले हो? 6 बजे निकलेंगे, 6 से 8 हमारा ढोल रहेगा, हाँ। और 8 बजे के बाद हमारा बैठक पे डीजे हो जाएगा। पहले ढोल के साथ निकलेगी, आगमन करेंगे और वहाँ पे जाके ढोल बंद हो जाएगा, फिर बैठक, ये राजा की सवाई ढोल के साथ होगी। मंडल है, आप इसके साथ कुछ लोग, काम की क्वालिटी कैसी है? ये दूसरा मंडल आया हुआ है क्या ब्रदर? आपका मंडल का नाम क्या है? तड़केश्वर का राजा। हाँ। और आपकी ये लोकेशन कहाँ पे है? हमारी लोकेशन है बटार, हाँ, तड़केश्वर सोसाइटी, बीआईएन विश्वकर्मा मंदिर। बटार से आए हो? हाँ। बटार से। वापिस एक बार लोकेशन बोलो आप। बटार तड़केश्वर सोसाइटी, ओके, ऑपोजिट विश्वकर्मा मंदिर, ऑपोजिट विश्वकर्मा मंदिर। और आप कितने टाइम से यहाँ मूर्ति बना रहे हो? हम 4 साल से बना रहे हैं। और कैसा लगा आपको ये मूर्ति? बहुत बढ़िया है, एक नंबर क्वालिटी है, हाँ। और ये आपकी हाइट, ये मूर्ति की ये हाइट क्या है मूर्ति की? 9 फुट है। 9 फीट है। और ये पूरा आपका मंडल ही है? हाँ हाँ, 4 साल से, हाँ। धमाल के साथ में, एकदम धमाल। आगमन कब है आपकी मूर्ति की? 16 को ही आपके, हाँ। भी सब 16 को ही आगमन होने वाली है, ऐसा लगा सब 16 को ही आगमन होने वाला है। और जोर शोरों में बराबर ना? बराबर एकदम। यहाँ से कैसे लेके जाओगे आप? यहाँ से हम अगले दिन लेके जाएंगे, हाँ? रात को लिंक 16 को ट्रक में के? नहीं, हम लारी से लेके जाएंगे। लोरी से आप लेके, हाँ। जाओगे? लारी से लेके, हाँ। जाओगे तो बटार तक ये सब खींच के ही जाओगे? जाएंगे, हमारे पूरे 100 बंदे है, 100 मंडल के 100 सभ्य है, सबको इतना उत्साह है कि पूरी रात सोते नहीं है। बराबर, तो एक और भी बनता है, बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, गिने लाडू चोरिया। ये मगदल्ला गांव की मूर्ति है। कहाँ के गांव की मूर्ति है? मगदल्ला गांव की मूर्ति है। वाह 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 वाह, सब बैठक उसकी पूरी स्टाइल सबसे अलग है। हाँ, ये पूरा सिंहासन बनाया है, पूरा सिंहासन बनाया है। पीछे भी बैकग्राउंड आएगा प्रभावल, पीछे पूरा बैकग्राउंड आएगा, हाँ जी। तो ये मूर्ति वैसे तो ये 10 फीट की मूर्ति दिख रही है, और 9 फीट की मूर्ति, उसके ऊपर 3 फुट ऊपर सिंहासन आएगा। बराबर, पूरा सिंहासन आएगा जी, उसका काम अभी बाकी है, हाँ। धीमे धीमे पूरा काम चालू है उसका। तो ये अभी कलर कर रहे हैं, ये कलर कर रहे हैं, ये उसको हमारे प्राइमर। हाँ, वैसे एक प्रोसेस है कि कितना ये कलर का हाथ कितना लगता है टोटल? ये पहले प्राइमर का हाथ लगेगा, हाँ। कलर का एक हाथ लगेगा, हाँ। उसके बाद सब होके फिनिशिंग होके 2 हाथ कलर के लगेंगे, फिर फिनिशिंग होगा फाइनल। ऐसा मतलब तीन चार प्रोसेस हो जाने के बाद ये पूरा लगता है, तभी उसकी क्वालिटी दिखेगी। हाँ, एक हाथ मारोगे तो क्वालिटी नहीं दिखेगी, तभी उसकी क्वालिटी दिखेगी। देखो तभी उसकी क्वालिटी दिखती है, ये देखो जी, ये ऐसी क्वालिटी आएगी बराबर ना। इसके पास पहला हाथ लगेगा कलर का, हाँ। फिनिशिंग होगा, ये आप देख सकते हो कि घिसाई होगी उसकी कलर के ऊपर, एक कलर के ऊपर घिसाई होगी, कलर करने के बाद घिसाई होती जी, है जी, हाँ। हाँ, उसके ऊपर 2 हाथ लगेंगे, इसके ऊपर 2 हाथ भी लगेंगे बाद जी, में जी, जी। अब देखने जाने वाले है खुफिया मूर्ति, धुरंधर मूर्ति, ये वर्कशॉप की, ये एक दंत आर्ट वर्कशॉप की धुरंधर मूर्ति। तो चलो जाते हैं, वैसे इन्होंने मना ही किया है, लेकिन एक नजर, सिर्फ एक नजर।
ये मूर्ति है ना हम आगे से नहीं दिखा सकते हैं, उन्होंने मनाई की है मूर्ति आगे से दिखाने की, इसलिए पीछे से आपको ये नजारा देख पाओगे। जी आप देख सकते हो कि ये मूर्ति कैसी बनी है। हाँ। पीछे से आगे से इसलिए स्क्रैच वाली मूर्ति है। हाँ। जो हम अभी बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर दिखा नहीं सकते किसी को। बराबर है, वो खुफिया मूर्ति है, मंडल की खुफिया मूर्ति है। वो हिसाब से मूर्ति को पीछे से शॉट लेना पड़ा है, आगे के शॉट नहीं ले सकते। ये पीछे से मूर्ति है, कम से कम ये मूर्ति भी कितनी बड़ी है, ये 20-22 फुट जितनी बड़ी है। जी एक बार विजिट करने के लिए जरूर से आओ। आपने सारा दरवाजा देखा, सूरत के कई सारी मजूरा गेट सब एक जगह पे देख ली, लेकिन दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसने ये कमेंट मेरे को बताया कि भाई एक दंत आठ निशा सर्कल के पास जो वर्कशॉप आया है, तो दिल से उसका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पे भेजा। जी। और ये मूर्ति भी ये दिखाने के लिए दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे को परमिशन दिया। दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे को परमिशन दिया कि ये मूर्ति भी पीछे से मैं दिखाऊं। थैंक यू वेरी वेरी मच। वापिस यहाँ पे कौन से माले पे खड़ा हो? तीसरे माले पे हो, तो बस ये तीसरे माले पे खड़ा हूँ, वीडियो को यहाँ पे एंड करते। एक दंत आठ निशान सर्कल के पास पाल आरटीओ। तो बस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट जरूर से करना। तो वी कंटिन्यू माय नेक्स्ट ब्लॉग, सुराते विश्व ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।